इन्फॉर्म तक नहीं किया। I want to interrogate him. कोई जरूरत नहीं। कबीर! बच्चे को छोड़ साले। जाने दे उसको। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हैदर तो जरार नाम है उसका। तो फाइनली दोस्तों रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की मच अवेटेड ओटीटी सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स आज अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। और इस सीरीज को देखने के बाद अगर इसका रिव्यू वन लाइन में करें तो इट्स अनदर स्टाइलिश एक्शन जैम बाय रोहित शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, क्या कूल और ऑसम एक्शन सिक्वेंस देखने को मिले हैं इस सीरीज में। रोहित शेट्टी ने अपना ओटीटी डेब्यू धमाकेदार अंदाज में किया है और उनका ये अंदाज ऑडियंस को खूब पसंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शेट्टी Amazon Prime ने मिलकर कॉप यूनिवर्स की मच अवेटेड सीरीज बनाई है जिसके लीड में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी नजर आने वाली है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है जिनमें हर एपिसोड की लेंथ लगभग 35 से 40 मिनट की है और हर एपिसोड शानदार एक्शन और बेहतरीन सस्पेंस के साथ भरा हुआ है। सीरीज की शुरुआत होती है देश के अलग अलग शहरों में हुए बम धमाकों के पीछे के मास्टरमाइंड हंटिंग से, जहां पर दिल्ली, जयपुर, गोवा और कई सारे शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के सबसे बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स एक साथ आते हैं। लेकिन क्या ये उन सभी टेररिस्ट को पकड़ पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं। उनकी एक्टिंग सीरीज में काफी अच्छी है और शेरशाह के बाद उन्होंने एक बार फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इमोशनल सीन्स में तो दोस्तों इस फिल्म में वो जिस तरह से ऑडियंस का दिल जीतने वाले हैं वो काबिले तारीफ होगी। वो यंग पुलिस के रोल में काफी सूट करते हैं। उनके सीनियर के रोल में हमें विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी भी नजर आने वाली है और इन दोनों ने भी सीरीज में अपना काम बखूबी निभाया है। हर एक सीन में शिल्पा ने पावर पैक परफॉर्मेंस दी है तो वहीं दोस्तों विवेक भी अच्छे नजर आए हैं। सपोर्टिंग स्टार कास्ट में श्वेता त्रिपाठी, निकितिन धीर, मुकेश ऋषि और शरद केलकर भी नजर आने वाले हैं। सबने अपने काम के साथ सीरीज में 4 चांद लगाए हैं। बट जो विलन यहाँ हमें देखने को मिला है वो काफी पावरफुल है क्योंकि वो अपनी प्लानिंग और सिंप्लिसिटी से जिस तरह पुलिस फोर्स को चकमा देता है वो देखने लायक है। रोहित शेट्टी की फिल्मों में हमेशा प्लस रहता है उसका BGM और यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में ये सीरीज भी किसी फिल्म से कम नहीं है। हर एक सीन, चाहे वो इमोशनल सीन हो या फिर हो सीरियस सीन, हर जगह बैकग्राउंड म्यूजिक की इम्पोर्टेंस ने अहम भूमिका निभाई है। एक्टिंग सीन्स में तो गूज़बम्प्स क्रिएट हो जाते हैं। स्टोरी एज यूजुअल आतंकवादी फिल्मों की तरह है लेकिन उसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो आउटस्टैंडिंग है। ओवरऑल बात करें तो दोस्तों सीरीज एक बढ़िया सीरीज है जिससे कि रोहित शेट्टी ने दमदार डेब्यू किया है। तो वहीं दोस्तों उनके AD सुशांत प्रकाश ने भी इसी सीरीज के साथ अपना डायरेक्शन डेब्यू किया है। मेरी तरफ से दोस्तों इस सीरीज को 4 out of 5 stars। आपको भी दोस्तों ये सीरीज Amazon Prime पर आज ही देखनी चाहिए क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इस साल की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में कर रही है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।